हेलो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक नए अपडेट में। द्वारका एक्सप्रेसवे और ये सेक्टर 102 इस साइड है और ये सामने सेक्टर 104 की बिल्डिंग से, ये ATS ग्रुप की बिल्डिंग से, ये सामने 104 और ये सामने के रैंप है। ये यहाँ 102 से शुरू हो गए, सामने 103 सेक्टर तक ये जाएगा। अब इसमें ये लगा लो ब्लैक टॉप का ही काम बचा हुआ है, बस लेवल बनाने में। इसमें अभी ये लेवल बनाने में लगे हैं अभी। एलिवेटेड ब्रिज वाला जो सेक्शन है, ये इसके विंग्स सब ज्वाइन हो चुके हैं और ऊपर फ्लोरिंग का काम ही कंप्लीट करने के लिए अभी काम में लगे होंगे। चलते हैं द्वारका की साइड, हरियाणा बॉर्डर की साइड। कितना इसमें काम हुआ है, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो 31 मार्च की बोली गई है। ये इसका ये सेक्शन यहाँ सामने से देखो, ये बिल्कुल फाइनल वाली स्टेज में।
ये आ गया है गुड़गांव का सेक्टर 110, इस साइड देखें सेक्टर 109। ये भी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये जो नीचे मेन हाईवे पे नहीं होंगे लोग, उनके लिए ये इन्होंने पुल सब जगह बनाए हैं कि उन्हें भी नीचे परेशान ना होना पड़े। ब्लैक टॉप ऑलमोस्ट सभी जगह हो गया है। सेक्टर 109 110, हम लेफ्ट वाली जो सड़क है उस पर चलते थे, अभी फिलहाल उस साइड कुछ काम होता होगा इसलिए बंद किया हुआ है। इधर ये अंडरपास भी इन्होंने बनाया है, इसकी भी एक अलग से वीडियो बनानी बनती है। अब इसमें काफी हो गया,
से शुरू होता है, उसके बाद जो कंपनी से बना रही है शायद जे कुमार, उसका भी कास्टिंग यार्ड बिल्कुल शुरुआत में ही है, इसी वजह से वहाँ भी अभी काम उस हिस्से में शुरू नहीं हुआ है जो बॉर्डर के साथ वाला है, उसके बाद तो वहाँ पे भी बहुत काम हो गया है। ये कास्टिंग यार्ड है, बना के निकल जाएंगे बिजवासन की साइड, अगर जाना वहां पे निकल सकते हैं, और सामने कास्टिंग गार्ड है जय कुमार का, तो वो जब अपना काम कंप्लीट करेंगे उसके लिए हम ये बना देंगे। ये एमसीडी का टोल प्लाजा आ गया कमर्शियल गाड़ियों के लिए, और ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी आगे का अपडेट आपको जल्दी ही दिखाते हैं।